स्टूडेंट्स, आप सभी का कैरियर इन एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा सरोज, तो ये आज का नया वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के पोर्शन को कवर करेंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे समास की। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि हमारी फर्दर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि समास क्या होता है। ओके, तो इंग्लिश में इसको कंपाउंड बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, समास क्या है। देखिए, समास शब्द दो शब्दों यानी सम, दैट इज संक्षिप्त, एवं आस यानी कि कथन या शब्द। तो समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या फिर संक्षिप्त शब्द। ओके, तो ये होता है। अब हम देखेंगे समास की परिभाषा क्या है। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों में मिलकर बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं तो जो एक नया शब्द का निर्माण होता है उसको हम समास बोलते हैं। ओके, आगे देखेंगे। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास रचना में प्रायः दो शब्द होते हैं। ओके, पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहला जो शब्द है, और जो दूसरा उत्तर पद कहते हैं जो कि दूसरा शब्द है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए आप। देखिए, यहाँ पर राजपुत्र लिखा हुआ है, तो राजपुत्र में पूर्व पद क्या हुआ? राज हुआ। देखिए, पूर्व पद राज है, और उत्तर पद की बात करें, उत्तर पद में पुत्र जो है वो लास्ट का शब्द है। तो इस तरीके से होता है राजपुत्र। तो यहाँ पे समास है। समास में अगर आपको कहा जाए कि कैसे रचना करोगे, तो देखिए पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र है। ठीक है, तो आगे देखिए। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो समास की जो प्रक्रिया है, इसमें शब्द को आप जब पहचानोगे तो जो उसके बीच के पदों की जो बीच की विभक्तियाँ हैं वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे समझिए, राजा का पुत्र, तो इसको क्या बोलेंगे? राजपुत्र। देखिए, राजा का पुत्र यानी राजा का पुत्र, तो जो का है ये विभक्तियाँ ये लुप्त हो जाएंगी जब ये हटा दिया जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? राजपुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे जो का विभक्तियाँ वो लुप्त हो जाएगी और राजपुत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे राजा में आ का मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो जो आ का मात्रा है ये हट जाएगा और सिर्फ जो है जो अक्षर है यानी जा पे जो आ का मात्रा है वो हट के जा सिर्फ रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से राजपुत्र बनेगा। उसके बाद नोट में हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, काठ की पुतली, तो इसका क्या होगा आंसर? समास क्या बनेगा? कठपुतली। तो यहाँ पर देखिए काठ लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो कठ लिखा है ना, तो देखिए काठ के का बन जाता है, यानी जो का पे आ का मात्रा है, जो का है वो उसका क्या बन जाएगा? सिर्फ का बनेगा। ओके, तो कठ पुतली हो जाएगा, कठ की पुतली। ठीक है, घोड़े का सवार, तो यहाँ पे घोड़े का सवार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? घुड़सवार। तो घोड़े का घो का घू बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो जिसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? तो समास के कुल 6 मुख्य भेद हैं, जैसे कि 6 देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस तरीके से 6 समास हैं आपके। इस तरीके से हम जल्दी जल्दी देख लेंगे 6 समास किस तरीके से हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए नोट में। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण होता है। ओके, जैसे कि पूर्व पद अगर प्रधान है तो अव्ययी भाव समास होगा, अगर उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु समास होगा, अगर दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास होगा, दोनों पद अप्रधान है तो वहाँ पे बहुव्रीहि या फिर तीसरा अर्थ प्रधान हुआ तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो अव्ययी भाव समास है, पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जिस समास का पहला पूर्व पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि कोई शब्द है उसका जो पहला पूर्व पद अव्ययी तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कैसे हम पहचानेंगे? जैसे देखिए, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। पहचान पद कैसा है? अनु लिखा, आ लिखा, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सब जो है पहला पद क्या है? प्रधान है, तो ये सारे प्रधान में आएंगे, तो ये सब जहाँ पे लिखा होगा जो शब्द बनेगा आपका वो अव्ययी भाव समास बनेगा।
जैसे कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल से देखिए आप। यहाँ पे देखिए पूर्व पद और अव्यय लिखा हुआ है, और इसको जब हम प्लस करेंगे उत्तर पद के साथ तो क्या बनेगा, समस्त पद, और विग्रह अगर करते हैं तो क्या बनेगा। देखिए इस तरीके से हम देखेंगे, आपको बहुत ही ईजी रहेगा समझने में। देखिए हमारे यहाँ पर प्रति लगा है, आ लगा है, यथा लगा है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रति, यथा और आ लगा है, तो ये सब पहचानने की जो पहला पद है वो सब क्या है, पहला पद जो है वो अव्यय होना चाहिए, यानी प्रधान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रति लिखा है, तो प्रति में अगर हम उत्तर पद दिन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, समस्त पद प्रतिदिन, ठीक है। लेकिन अगर हम विग्रह करते हैं तो प्रत्येक दिन हो जाएगा। इसको अपने से आपको समझना पड़ेगा कैसे वर्ड को हम अलग करेंगे ताकि वो विग्रह हो जाए। तो आ है, आ में हम जन्म जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समस्त पद आज जन्म, ठीक है, जन्म से लेकर। और यहाँ पे यथा, यथा में अगर हम संभव जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, यथा संभव। और अगर विग्रह करते हैं तो जैसा संभव हो, ठीक है। ऐसा आपको पहचानना होगा कि कैसे यहाँ पे हम शब्द बनाएंगे ताकि उसका विग्रह हो सके। ओके, आगे देखेंगे, हम आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भर लिखा है, भर प्लस पेट, तो पूर्व पद यानी अव्यय है तो भर है, और उत्तर पद में पेट लिखा हुआ, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो समस्त पद क्या बनेगा, भर पेट, ठीक है। विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, पेट भर के, ओके, पेट भर के, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे देखेंगे पूर्व पद, तो प्रति है, इसमें कूल अगर हम जोड़ते हैं तो बन जाएगा प्रतिकूल। तो विग्रह अगर हम देखें तो क्या बनता है, इच्छा के विरुद्ध। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे आपको के लगाना है, कहाँ पे ही लगाना है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार वीडियो भी देख लोगे तो आपको एक चीज़ दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करना है। तो इस तरीके से शब्द बनाना है, कैसे विग्रह करना है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। प्रतिकूल, तो प्रतिकूल, यहाँ प्रति है धन, कूल है, तो प्रतिकूल बना। उसके बाद इसका विग्रह करेंगे तो इच्छा के विरुद्ध बन जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया है हाथ, पूर्व पद अव्यय है, हाथ दिया है, उत्तर पद हाथ है, तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाथों हाथ। याद रखिएगा हाथ हाथ नहीं होगा, हाथों हाथ हो जाएगा, और विग्रह करेंगे तो हाथ ही हाथ में, ठीक है, हाथ ही हाथ में हो जाएगा। अगर हम अब देखें तो दूसरा हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तत्पुरुष समास जो है ये है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जिस समास में जो बाद का यानी कि उत्तर पद जो है, पूर्व पद नहीं, उत्तर पद जो है प्रधान होता है, तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे राजा का कुमार, तो यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ लुप्त हो जाएगा, तो राजा का कुमार तो क्या बना, राजकुमार। याद रखिएगा इस तरीके से होगा। धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ का जो है वो लुप्त हो जाएगा, बचा क्या, धर्म ग्रंथ, ठीक है। आगे है रचना को करने वाला, तो यहाँ पे बनेगा रचनाकार, ओके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद, तो तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास उसके 6 भेद हैं। क्या भेद हैं, यहीं से क्वेश्चन आता है। आपने वो सुना होगा, कारक पढ़ा होगा आपने, कर्ता अनेक, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, मैं पै पर, पढ़ा होगा आपने, तो वही यहाँ पे यूज करना है। देखिए यहाँ पे 6 भेद जो है उनका नाम ये है, कर्म तत्पुरुष, ओके, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए कर्ता ने, यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्ता ने होता है, फिर कर्म को, यानी कर्म जो है वो द्वितीय में आएगा, करण से, तो यहाँ देखिए से है, यहाँ पे तृतीय है, संप्रदान के लिए यानी कि चतुर्थी है ये, अपादान से ये पंचमी में है, संबंध षष्ठी का है, जो कि का के की यूज़ करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष जो है सप्तमी में आएगा, मैं पै पर, ठीक है। इस तरीके से याद करना है आपको। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आप ये बेसिक पढ़ी होगी, तो उसी हिसाब से समझना है। देखिए बहुत ईजी है, कारक देखिए यहाँ पे दिया हुआ सबका, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष में क्या यूज़ करते हैं, कारक को यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल सब समझिए, एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ आप समझने के लिए। यश को प्राप्त, तो यहाँ पे कारक क्या है हमारा, को है, यश को प्राप्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यश प्राप्त। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देता है यश प्राप्त, और पूछता है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे कि तत्पुरुष समास कौन सा है, आप यहाँ से पूछता है कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बताओगे कर्म तत्पुरुष, यश को प्राप्त। जब आप पढ़ोगे सेंटेंस तो ऑटोमेटिक वो चीज निकल के आएगी कि तत्पुरुष कौन सा लग रहा है यहाँ पे, यश को प्राप्त लग रहा है, यश को प्राप्त। आप ये थोड़े लो यश के लिए प्राप्त, यश से प्राप्त, ऐसा तो आप लिखोगे नहीं, यश को प्राप्त। तो उस तरीके से वर्ड बनता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट, करण तत्पुरुष, ये द्वितीय है, इसमें से लगता है, करण से या फिर के द्वारा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल समझिए, शोक से ग्रस्त, तो शोक ग्रस्त हो गया, यहाँ पे से लगा है, से लगा यहाँ पे, शोक से ग्रस्त,
किससे ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, कोई चीज वर्ड दिया हुआ है तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज निकल के आएगी। किससे ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो यहाँ पे शोक ग्रस्त हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष जो कि चतुर्थी है, इस यहाँ पे के लिए यूज होता है। ओके, के लिए यहाँ पे यूज होता है संप्रदान के लिए। देखिए याद करने का ट्रिक यही है, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का के की अधिकरण मैं पर, इस तरीके से याद करते हैं इसको। तो जब आपको ये याद रहेगा तो आप एक साइड लिख लो, उसके बाद जब आप मिलाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देख रहे थे हम कि यहाँ पे के लिए यूज होता है, किसमें, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, स्नान के लिए घर, तो स्नान घर हो गया। यहाँ पे क्या यूज हुआ, के घर लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे जब इसको लोप हो जाएगा तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, स्नान घर, इस तरीके से होता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष, तो पंचमी है, तो अपादान से, अपादान से यूज होता है। तो धन से हीन, किससे हीन, धन से हीन, यहाँ याद रखिएगा। तो आगे देखेंगे, आगे है हमारा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का के की यूज होता है, इस तरीके से हम देखेंगे। एग्जांपल देखिए, तीन एग्जांपल हैं, का के की और की एग्जांपल है। तो देश की रक्षा, पहला हम की देख लेते हैं, देश की रक्षा, तो देश रक्षा बोलेंगे, ठीक है। राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो क्या हुआ, राजकुमार, और के बचा है तो के लिए देख लेते हैं, पर के अधीन, तो पराधीन हो जाएगा, याद रखिएगा, पर के अधीन, पराधीन। ओके, अब हम देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी है, यहाँ पे मे पर यूज होता है यहाँ पे। तो लोक में प्रिय, लोकप्रिय, यहाँ पे देखिए मे यूज हुआ है, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। यहाँ पे कला में श्रेष्ठ, तो कला श्रेष्ठ। ओके, यहाँ पे देखिए मे यूज हुआ है। अब हमें पर यूज करना है, तो पर कैसे यूज करें, आप पर बीती, तो आप बीती, इस तरीके से हम जो तत्पुरुष समास के भेद हैं वो हमने सारे देख लिए। छह भेद हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार देख लो तो आराम से आप चीज़ें मैच कर लोगे, मिला लोगे। ओके, यहाँ से गलत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास वो है जिसे समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान या उपमेय अथवा विशेषण या विशेष संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समझ में आया आपको, देखिए जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष संबंध हो, यानी कि देखिए उत्तर पद प्रधान हो तथा जो पूर्व पद हो या फिर उत्तर पद हो उसमें उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो और के समान आदि का प्रयोग होता है, इस तरीके से हम पहचानेंगे। ओके, तो देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ पर विग्रह है और यहाँ पर समस्त पद है, तो जब हम विग्रह में देखेंगे क्या है, कमल के समान चरण, यानी के समान, यहाँ पर दो वर्ड ध्यान में रखिएगा, है जो और के समान, तो के समान जहाँ भी यूज होगा तो वो जो शब्द होगा वो कर्मधारय समास होगा। देखिए यहाँ पे के समान लिखा, यहाँ पे है जो लगा है, याद रखिएगा। तो देखते हैं, कमल के समान चरण, तो चरण कमल हो जाएगा। ओके, चंद्र के समान मुख, तो चंद्र मुख हो जाएगा, के समान, याद रखिएगा। लाल है जो मणि, उसका क्या हो जाएगा, लाल मणि, ठीक है। नीला है जो कंठ, वो हो जाएगा नीलकंठ, है जो ही रखिए, यहाँ पे है जो लगा हुआ है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। परम है जो आनंद, परमानंद। ओके, इस तरीके से आप पहचानेंगे कौन का कर्मधारय समास है, कौन सा द्विगु समास है, कौन सा द्वंद समास है, कौन सा बहुव्रीही समास है, इस तरीके से आप पहचानेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फोर्थ नंबर, वो है द्विगु समास। ओके, द्विगु समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे समस्त पद का जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाचक विशेषण हो, उसे कहेंगे क्या हम, द्विगु समास। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे विग्रह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे समस्त पद दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पहला देखिए, सात सिंधुओं का समूह, यहाँ पे समूह आया है का समूह, तो सात सिंधुओं का समूह क्या होगा, सप्त सिंधु, ठीक है। तो सात सिंधु क्या, सप्त सिंधु हो जाएगा। तो इस तरीके से द्विगु समास हो गया, यहाँ पे सात लिखा हुआ है, सात यानी संख्यावाचक है, सात है, दो है, चार है, तीन है, नौ है, इस तरीके से जहाँ भी होगा आप समझ लेंगे वो द्विगु समास है, बहुत ही इजी है पहचानना। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे दोपहरों का समूह, तो दोपहर हो जाएगा,
इस तरीके से आप पहचानेंगे, इस तरीके से आप समस्त पद बनाएंगे। तो क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि एक साइड विग्रह दे दे और एक साइड कहे कि समस्त पद पहचानेंगे आप, तो आप कैसे पहचानो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है चार राहों का समूह, तो चौराहा हो जाएगा, ये देखिए चौराहा हो जाएगा। तीन लोकों का समाहार, तो त्रिलोक हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा नौ रात्रियों का समूह, तो नवरात्र हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौराहा और नवरात्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। तो अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा ये सारे चीज़ें लगती हों वह द्वंद्व कहलाता है। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, दोनों ही पद प्रधान हों तथा विग्रह, जब विग्रह करें तो और शब्द का प्रयोग हो, एवं का प्रयोग हो, या का प्रयोग हो, अथवा का प्रयोग हो, चीज़ द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए देखिए दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी हाइफ़न का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप समझते हैं ना, ये इसको हाइफ़न बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं एग्जांपल से कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विग्रह और समस्त पद, नदी और नाले, देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है, यानी कि और, एवं, या, अथवा, ये सारी चीज़ें जहाँ लगी होंगी तो वहाँ पर आप हाइफ़न करके समस्त पद लिख सकते हो। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपका? द्वंद्व समास। ओके, देखिए नदी और नाले, तो नदी हाइफ़न नाले, सुख और दुख, तो सुख हाइफ़न दुख, गुण और दोष, गुण हाइफ़न दोष, सारे में आप हाइफ़न लगा दोगे, ऊंच या नीच, तो ऊंच या नीच में हाइफ़न, भला या बुरा, तो भला बुरा, उतार एवं चढ़ाओ, तो उतार चढ़ाओ, इस तरीके से होगा। याद रखिएगा सिर्फ और, एवं, या, अथवा जहाँ भी लगा हो तो वो द्वंद्व समास होगा, वहाँ से आप ऐसा बना सकते हो, समस्त पद ये जी होगा। ओके, इस तरीके से आप हमारा पांचवा द्वंद्व समास कंप्लीट होता है। अब हम सिक्स की तरफ बढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो देखिए सिक्स हमारा है बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कोई भी समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलके एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास यूज होगा। जैसे कि कैसे समझेंगे आप? नीलकंठ, ओके, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव का कंठ नीला होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये शिव की तरफ। देखिए नीला प्रथम, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, दोनों ही मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रही हैं, तो वो हो गया शिव। देखिए यहाँ पर दोनों शब्द ने मिलकर तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। इस तरीके जितने भी आपके समस्त पद होंगे वो सारे ही बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। देखिए समस्त पद यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला हम देखेंगे लंबोदर, यानी कि लंबा है उदार जिसका, यानी किसके ओर संकेत कर रहा है? गणेश। ओके, लंबा है उदार जिसका, गणेश। दूसरा हम देखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार हैं भुजाएं जिसकी, यानी कि चार हाथ हैं जिसकी, भुजाएं चार हैं, वो कौन है? विष्णु। ओके, दशानन, इस तरीके से दशानन देखेंगे, दस हैं आनन जिसके, वो कौन है? रावण। आनन मतलब मुख, ओके, चेहरा हो गया, दस हैं आनन जिसके, सर कहते हैं जिसको, तो रावण के दस सर थे, तो इसीलिए इसको दशानन बोलते हैं। इस तरीके से हम और एग्जांपल देख लेंगे ताकि एग्जाम्स में आपको कठिनाई ना हो, इसलिए इसको सॉल्व कर सको। ओके, तो हम आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। घन श्याम, ओके, घन के समान श्याम है जो, यानी ये दोनों ही पद मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण। घन श्याम मतलब घन के समान श्याम है जो, यानी किसकी बात कर रहे हैं? ये कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे, जैसे फोर्थ नंबर है घन श्याम, यानी घन के समान श्याम है जो, दो पद हैं ये दोनों मिलके तीसरे ओर के संकेत कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है? कृष्ण की बात हो रही है। घन के समान श्याम है जो, यानी कृष्ण। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? कृष्ण की। पीत है अंबर जिसका, पीताम्बर। चंद्रमौली, ये जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके, सो चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसका, कौन है, किसकी बात हो रही है? शिव की। ओके, शिव की बात हो रही है यहाँ पे, चंद्र है मौली जिसका, यानी शिव। ओके, मृगेंद्र है, नेक्स्ट मृगों का इंद्र, यानी सिंह की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, मृगों का इंद्र कौन है? सिंह, मृगेंद्र। निशाचर, यानी निशा में विचरण करने वाला, यानी राक्षस, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? निशाचर, यानी निशा के में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस। यहाँ पे इस तरीके से आप बहुव्रीहि समास पहचान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समास है, उसको बोलते हैं नए समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द, यानी आ, अन, न,
और ना आदि लगे हों तो वहाँ पे नए समास हो जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, अधर्म यानी कि देखिए यहाँ पे आ या अन या ना लगा हो, यानी अधर्म अयोग सब में आ लगा हुआ है। अगर अन लगा होता है, ना लगा होता है, ना लगा होता है, तो ये क्या है, निषेध सूचक नकारात्मक पद में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे अधर्म लिखा है तो यहाँ पे ना धर्म हो जाएगा, अयोग लिखा है तो ना योग हो जाएगा, अनहोनी ना होनी, अनाचार मतलब ना आचार, गैर वाजिब को क्या लिखेंगे, ना वाजिब, ओके, अलौकिक को लिखेंगे ना लौकिक। इस तरीके से नए समास हो जाएगा। ओके, इस तरीके से देखिए, निषेध सूचक या फिर नकारात्मक शब्द लगा हो, आ लगा हो, अन लगा हो, अन लगा हो, अल लगा हो, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नए समास का ना धर्म हो जाएगा, ना यूज हो, ना लग जाएगा। ओके, इस तरीके से चेंज हो जाएगा शब्द। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, यहाँ पे हमारा जो समास का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ नया लेके आएँ तो आप जरूर कमेंट करें कि हमें कौन सा पोर्शन लेके आना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।